हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, बात करने वाला हूँ राशन कार्ड में EKYC कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग आराम से EKYC करवा रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग राशन कार्ड में EKYC कैसे करेंगे। तो दोस्तों, उसी को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो अगर आप लोग भी बाहर से ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप घर से बाहर रहते तो आप राशन कार्ड में EKYC कैसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों, राशन कार्ड में घर से बाहर जितने भी लोग रहते हैं उसको राशन कार्ड में EKYC करवाने के लिए मात्र एक तरीका है। तो दोस्तों, जो लोग घर से बाहर रहते हैं उसके लिए क्या तरीका है राशन कार्ड में EKYC करवाने का? तो दोस्तों, आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ राशन मिलता है, तो दोस्तों वहाँ पर जा करके आप अपना आधार कार्ड दे करके फिंगर को अगर आप अपडेट करवाते हैं तो दोस्तों आपका फिंगर है जो कि अपडेट हो जाएगा और आपका राशन कार्ड में से नाम नहीं कटेगा। तो दोस्तों, यही एक तरीका, आप जिस जगह पर रहते हैं उसी जगह पर जा करके फिंगर लगा लें। ज़रूरी नहीं कि आपका जहाँ से राशन मिलता है वहीं पर फिंगर लगाना, आप कहीं से भी फिंगर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पर राशन नहीं मिलता है, वहाँ पर राशन की दुकान नहीं है। तो दोस्तों, अगर वहाँ पर राशन की दुकान नहीं है, अगर आपका EKYC राशन कार्ड में नहीं हुआ अभी तक, दोस्तों कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए। आप जब घर पे आइएगा उस टाइम पे आकर के आप राशन कार्ड में EKYC करवा लीजिएगा। तो दोस्तों, आपका जो नाम है फिर से चालू कर दिया जाएगा, जो आपका नाम कट जाएगा फिर से उसमें नाम ऐड हो जाएगा और आपका जो राशन है फिर से राशन मिलने लगेगा। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि आपका जो राशन कार्ड में EKYC, जो लोग घर पे रहते हैं वो लोग राशन कार्ड में EKYC कैसे करेंगे। चलिए मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताता हूँ राशन कार्ड में EKYC कैसे करना और राशन कार्ड में EKYC करने का जो डेट है जो कितना तक बढ़ाया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, मैं आपको सारा कुछ जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन को ओपन कर लिए, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जस्ट यहाँ पर अपडेट निकल कर के आया है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा आपको लिखा हुआ मिलेगा राशन कार्ड धारक ध्यान दे, ये है KYC करवाने की आखिरी तारीख, नहीं करवाने पर हो सकता है ये नुकसान। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं क्या नुकसान हो सकता है EKYC अगर नहीं करवाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा आपको लिखा हुआ मिलेगा, दरअसल माना जा रहा है कि ऐसे राशन कार्ड धारक है जिनके राशन कार्ड में दिए नामों में किसी सदस्य का विवाह हो चुका है या किसी सदस्य का निधन हो चुका है। ऐसे में इन लोगों को राशन कार्ड से नाम हटवाने के लिए EKYC की जा रही, ताकि सिर्फ उन लोगों को राशन मिल सके जिनकी EKYC होगी। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि राशन कार्ड में EKYC क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके राशन कार्ड है पांच मेंबर है, पांच मेंबर में किसी एक मेंबर का विवाह हो चुका है, किसी एक मेंबर का निधन हो चुका है, फिर भी आप पांच मेंबर का राशन लेते हैं, इसी कारण से आपके राशन कार्ड में EKYC यानी कि सभी के राशन कार्ड में EKYC किया जा रहा है कि जिन लोगों का EKYC होगा उन्हीं को राशन मिलेगा और बाकी जितने भी लोगों का EKYC नहीं होगा सभी को नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। उसका चलिए नीचे यहाँ पर देख लेते क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, नीचे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि नियमों के मुताबिक राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य को EKYC करवानी होगी, यानी कि दोस्तों राशन कार्ड में अगर आपके पांच मेंबर है तो पांचों मेंबर EKYC करवाना पड़ेगा। अगर किसी एक मेंबर का नहीं होता तो उसका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपको लिखा हुआ मिलेगा कि वही जिन सदस्य का मृत्यु या आदि विवाह हो चुका है उन सदस्यों का नाम राशन कार्ड से हटवाने के लिए उपभोक्ता को पाबंद किया जाएगा। जिन लोगों को EKYC होगी उन्हें पहले की तरह राशन मिलेगा। अगर आप EKYC नहीं करवाते हैं तो आपको सत्यापित करना विभाग के लिए मुश्किल हो जाएगा और ऐसे में आपका राशन अटक सकता है, इसलिए इस काम को समय रहते करवा लें। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि EKYC क्यों करवाई जा रही है। चलिए मैं आपको दूसरा नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा नोटिफिकेशन को ओपन कर लिए, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो लिखा हुआ है कि अगर आप राशन कार्ड धारक है तो आपको EKYC करवाने के लिए सिर्फ राशन अपनी राशन की दुकान पर जाना, यानी जहाँ राशन की सरकारी राशन आप प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आप जहाँ से राशन लेते हैं वहाँ आपको जाना है। दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि ध्यान रहे या वो भी सदस्य जाएंगे जिनका राशन कार्ड में नाम हो। तो दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपके राशन कार्ड नाम है तो ही आप EKYC करवाइए, अगर आपके राशन कार्ड में नाम है नहीं है तो आपको EKYC करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके बाद आपको पोस्ट मशीन में अपने फिंगरप्रिंट देकर EKYC करवा लेनी है, ये बिल्कुल मुफ्त है, इसके लिए राशन डीलर को पैसे न दे। विभाग द्वारा राशन कार्ड धारक को EKYC करवाने के लिए कहा गया है। विभाग ने राशन वितरण करते समय 30 जून 2024 सभी राशन कार्ड धारक EKYC करवाने के लक्ष्य, इसलिए आप सभी 30 जून 2024 तक EKYC करवा लें। दोस्तों, पहले राशन कार्ड में EKYC करवाने की जो तारीख थी 15 जून 2024 तक, उसको बढ़ा करके 30 जून 2024 तक कर दिया गया है। दोस्तों, इससे भी आगे बढ़ेगा, अभी इसका नोटिफिकेशन जो कि 30 जून तक ही दिया है। उसके नीचे देखिए अगर आपका EKYC कंप्लीट हो जाता है तो दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देख सकते यहाँ पे डेमो ऑथर यहाँ पर डन रहेगा, उसका EKYC आपका यहाँ पर डन रहेगा। अगर आपका EKYC कंप्लीट हो जाता है तो दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद चलिए बात करते हैं कि EKYC स्टेटस कैसे चेक करते हैं कि आपका EKYC हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए चलिए ब्राउजर को ओपन कर लेंगे।
तो दोस्तों ब्राउजर ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर देना है राशन कार्ड ई केवाईसी स्टेटस। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च वाला बटन पे क्लिक कर लेना है। सर्च वाला बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है चेक ई केवाईसी स्टेटस, सिंपली आपको ये वाला लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको राशन कार्ड नंबर जो भी है वो यहाँ पर डाल करके चेक स्टेटस वाला बटन पे क्लिक कर लेना। चलिए यहाँ पे हम राशन कार्ड नंबर डालकर चेक स्टेटस वाला बटन पे क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चेक स्टेटस वाला बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा डेमो अथॉरिटी यहाँ पर डन है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो राशन ई केवाईसी है जो कि कम्प्लीट नहीं, तो यहाँ पर नोट डन लिख रहा है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप ही चेक कर सकते हैं। और दोस्तों राशन कार्ड में ई केवाईसी जो ऑनलाइन करने का कोई भी अभी तक तरीका नहीं, आपको ई केवाईसी करने के लिए राशन कार्ड के दुकान पर जाके पोस्ट मशीन से ही करवाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि राशन कार्ड में आधार सेंडिंग को चेक करना, तो उसके लिए प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के आसानी से आप चेक कर सकते हैं। मेरा राशन कार्ड की ऐप है उससे आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।